वेलकम टू एसएससी मेकर। आज है 12 अगस्त 2020 और 12 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आज के फर्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन लोग बात करें तो विश्व आदिवासी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 9 अगस्त। जी हाँ, प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस अर्थात वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया जाता है। और इस वर्ष विश्व आदिवासी दिवस की थीम की अगर अपन लोग बात करें तो कोविड-19 और स्वदेशी लोगों का लचीलापन, ठीक है। और विश्व आदिवासी दिवस का उद्देश्य विश्व की देशज आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार 1994 से प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 9 अगस्त। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले गाइस, आज के वीडियो के लाइक के टारगेट की हम लोग बात करें तो आज के वीडियो के लाइक का टारगेट है 1500+ लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करेंगे। चलिए मूव करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। सेकेंड क्वेश्चन की अगर अपन लोग बात करें तो कौन सा देश कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 12 अगस्त को तैयार है। जैसा कि सबको पता ही होगा आज रूस इसका करेक्ट आंसर है। जी हाँ, रूस कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आज के दिन 12 अगस्त को तैयार है। रूस के उप स्वास्थ्य मंत्री कौन, ओलेग ग्रिडनेव ने यह घोषणा की और यह वैक्सीन गोमायला शोध संसाधन और रूस के रक्षा मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में तैयार हुई है। वैक्सीन के चिकित्सा परीक्षणों की शुरुआत 18 जून को हुई और इसमें 38 लोग शामिल हुए। उन सभी में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई। पहले समूह को 15 जुलाई को छुट्टी दी गई जबकि दूसरे समूह को 20 जुलाई को छुट्टी दी गई, तो इसका करेक्ट आंसर है रूस। जी हाँ, ये बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है पूरे वर्ल्ड के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, रूस। चलिए देखते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन। किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में रेशम के प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया है और इस केंद्र को सितंबर 2020 के पहले सप्ताह में लॉन्च किया जाएगा। KVIC हथकरघा और रेशम सीलिंग मशीन जैसी मशीनरी भी प्रदान करेगा। यह केंद्र 25 स्थानीय कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा और इस क्षेत्र में बुनाई गतिविधियों को बढ़ावा देगा। भारत दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। चलिए देखते हैं आज का फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने हाल ही में घोषणा की है कि स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के कितने मीटर के दायरे के भीतर जंक फूड और अस्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री प्रतिबंधित होनी चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर है 50 मीटर। जी हाँ, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के CEO अरुण सिंघल ने स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में जंक फूड और अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगा दी। साथ ही FSSAI ने स्कूल परिसरों के 50 मीटर के दायरे में अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की बिक्री और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया। यह कदम स्कूली बच्चों की सुरक्षा और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है 50 मीटर। चलिए देखते हैं आज का फिफ्थ क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020-23 के लिए नई राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरू करी, तो इसका करेक्ट आंसर है आंध्र। जी हाँ, आंध्र प्रदेश की सरकार ने 2020 से लेकर 2023 तक के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरू करी और इस नीति का उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार का सृजन करना है, ठीक है। राज्य की पिछली औद्योगिक विकास नीति 2015 से 20 के बीच में लागू की गई थी और इस नीति का
अनावरण राज्य के उद्योग मंत्री गौतम रेड्डी ने किया। इस नीति का उद्देश्य अच्छी तरह से संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है, ठीक है, और यह वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित और कौशल भी प्रदान करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले गाइस, आज के वीडियो के आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंध्र प्रदेश के सीएम और गवर्नर का नाम आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप आप दोनों का नाम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए देखते हैं आज का अब सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है। विश्व जैविक ईंधन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 10 अगस्त। जी हाँ, विश्व जैविक ईंधन दिवस प्रत्येक साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व जैविक ईंधन दिवस प्रतिवर्ष जैव खनिज तेल की उपयोगिता के संबंध में जागरूकता के लिए मनाया जाता है और जैव ईंधन नवीकरणीय प्राकृतिक रूप से नष्ट होने वाले तथा पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और इस दिन वर्ष 1893 में सर रडल्फ डीजल ने पहली बार मैकेनिकल इंजन का परीक्षण सफलतापूर्वक किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 10 अगस्त। चलिए देखते हैं आज का सेवंथ क्वेश्चन क्या कहता है। किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा करी? तो इसका करेक्ट आंसर है लेबनान। जी हाँ, लेबनान की राजधानी बेरूत में शक्तिशाली धमाके के बाद लोगों की मांग के आगे झुकते हुए प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफे की घोषणा करी और लेबनान के राष्ट्रपति माइकल आउन ने प्रधानमंत्री समेत पूरी सरकार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। हालांकि राष्ट्रपति ने हसन दियाब ने से नई सरकार के गठन तक पद पर बने रहने को भी कहा और लेबनान में लोग विस्फोट के लिए लापरवाही और कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है लेबनान। चलिए देखते हैं आज का एट्थ क्वेश्चन क्या कहता है। एट्थ क्वेश्चन की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ग्रेट निकोबार द्वीप में कितने करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण करने की योजना है? तो इसका करेक्ट आंसर है 10,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में अंडमान निकोबार बंदरगाह विकास में जुड़ी गतिविधियों के बड़े केंद्र के रूप में विकसित होने वाला है और यह क्षेत्र दुनिया के कहीं कई ट्रांसशिपमेंट बंदरगाहों के मुकाबले काफ़ी प्रतिस्पर्धी दूरी पर स्थित हैं। जब ये बंदरगाह एक बार बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ बड़े बड़े जहाज भी रुक पाएंगे। इससे समुद्री व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी और युवाओं को रोजगार के नए मौके भी मिलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है 10,000 करोड़ रुपए। चलिए देखते हैं आज का नाइन्थ क्वेश्चन। भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए किस परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना। जी हाँ, प्रधानमंत्री के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अपने सामरिक महत्व के कारण समुद्री और स्टार्टअप हब के रूप में विकसित होने जा रहा है और इसके लिए सरकार ने इस प्रकार की विकास पहलों पर प्रकाश डाला है। यह पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कामोरता, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगत से जोड़ेगी। इस पहल से इन क्षेत्रों में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा जिससे रोजगार सृजन में भी वृद्धि होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मिलान मितान योजना की शुभारंभ करी? तो इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन? भूपेश बघेल ने स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की पूर्व संध्या पर इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा करी और यह छत्तीसगढ़ के वन निवासियों का समर्थन करने और आत्मनिर्भरता हासिल करने की एक पहल है। इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है और यह योजना फल देने वाले वृक्षों और औषधीय पौधों के रोपण को प्रोत्साहित करने के लिए है। तो इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं कल का प्रश्न। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। तो कल का प्रश्न था आप लोगों के लिए, भारत में किस देश में होने वाले
कावकाज 2020 अभ्यास में हिस्सा लेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है रूस। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या कहता है। किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा करी। ये चार ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे, ठीक है। और अगर आपने वीडियो के लाइक का टारगेट अभी तक अचीव नहीं किया तो फटाफट से वीडियो के लाइक का टारगेट अचीव करिए, जिससे सभी और वीडियो को शेयर करें जिससे सभी बच्चों को लाभ मिल सके बहुत ज़्यादा। और अगर अभी तक भी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर मिलते जाएं। इसीलिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। हैव अ नाइस डे।